दोस्तों आप में से बहुत से मेरे भाई लोग थे जो ये चीज़ कह रहे थे कि जो स्प्लेंडर प्लस पुरानी वाली है और नई वाली जो आई है एक्सटेक वेरिएंट, दोनों में एक कंपेयर कर दिया जाए ताकि सामने से चीज़ें पता चलें कि क्या फ़र्क इसमें हुआ है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड मतलब कि बाएं साइड आप देख पा रहे हो, ये पुरानी वाली स्प्लेंडर है। इसे पुराना नहीं कहेंगे, ये भी नई ही है, लेकिन अभी के लिए तो ये पुरानी हो चुकी है, क्योंकि जो सबसे नई है वो आप दाहिने साइड यानी कि राइट हैंडल साइड देख रहे हैं, जो कि एक्सटेक वेरिएंट है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ नई कर दी गई है। तो दोनों के प्राइस में आपको 3 से 4 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप एक्सटेक मॉडल लेते हैं तो आपको 3-4 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी, और वहीं अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो आपको ये थोड़ा 3-4 हज़ार रुपये सस्ती यानी पहले वाले दाम पे देखने को मिलेगी। अब चलिए फटाफट मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले चेंज पे आते हैं, यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे जो विंडशील्ड है वो थोड़ी चेंज हो गई है दोनों में। पहले वाली में देखिए आपको जो मेन हेडलैम्प है वो तो वही मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी पोजीशन लैम्प नहीं मिल रहा है। लेकिन नई वाली में एक्सटेक वेरिएंट में एक लंबी सी लाइनिंग आपको दिख रही होगी, ये पोजीशन लैम्प है जिसमें आपको LED लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो इस बाइक में LED के नाम पे पोजीशन लैम्प कंपनी आपको दे देती है। दूसरा चेंज मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूँ कि जो मीटर का वायर होता है ना, वो पहले आगे वाले पहिए में लगा था, लेकिन उसे अब जो है पीछे वाले पहिए में लगा दिया गया है। और ये बहुत सही भी चीज़ है, क्योंकि आगे वाले पहिए में लगने की वजह से ना जो मीटर की जो केबल वगैरह होती थी वो हद से ज़्यादा ख़राब होती थी। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और बहुत से कस्टमर्स की शिकायत भी आती थी। चलिए ये बात हो गई, अब फटाक से हम अगले चेंज पे आते हैं। तो देखिए इसका मीटर कंसोल जिस पे लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, फुली डिजिटल मीटर कंसोल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप दोनों को स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्हें पुराना वाला मीटर कंसोल चाहिए वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शोरूम पे जाइए, स्टॉक होगा तो आप आराम से उस चीज़ को ले सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है स्टॉक होगा तो आपको मिल जाएगी। स्टॉक की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है हर जगह इस समय, तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मीटर कंसोल में क्या चेंज है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, साथ साथ ओडोमीटर ट्रिप मीटर मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आप अपना लाइव माइलेज चेक कर पाएंगे, मतलब आपकी बाइक इस वक्त कितना माइलेज दे रही है, कितनी स्पीड में, ये भी आप कंप्लीटली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस समय स्क्रीन पे देखिए, ये चेंज आपको दिख गया होगा। इसके साथ साथ जो उसके बाद जो चेंज है वो इनके कलर कॉन्सेप्ट को लेके है, ग्राफिक वगैरह को लेके है, कि पहले से सारा कॉन्सेप्ट चेंज किया है कंपनी ने। और आपको पुरानी वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है या फिर नई वाली, ये आप कमेंट में हमसे ज़रूर साझा करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले चेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो वो उनके प्राइस को लेके है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट प्राइस, जो कंप्लीट प्राइस पड़ रही है 80 से 85 हज़ार में, यानी कि 80 to 85 thousand में आपको ये नॉर्मल वेरिएंट देखने को मिल जाएगा स्प्लेंडर प्लस का। ठीक है, और अगर आप वहीं 88 से 90 हज़ार का अपना जो है प्राइस रखते हैं, अपना बजट रखते हैं, तो आपको एक्सटेक वेरिएंट मिल जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि लगभग 3 से 4 हज़ार का फ़र्क है दोनों ही बाइकों में, तो आपको कौन सी लेनी उचित है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंजन की जो पावर वगैरह है वो सारी चीज़ लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी, वहाँ पर कोई खास चेंज नहीं है। इनके कलर कॉन्सेप्ट में जो चेंज है वो मैंने आपको बता दिया है। USB जो चार्जर इसमें मिलता है आपको, जिससे आप चलते बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएँ, वो पहले भी आता था, जो कि अभी एक्सटेक वेरिएंट में भी कंटिन्यू है, तो वो कोई नया चेंज नहीं है। ठीक है, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है। अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो इंजन ऑन नहीं होगा, साइड स्टैंड हटते ही आप इसके इंजन को ऑन कर पाएंगे। तो ये कुछ खास बदलाव हैं, और आपसे फिर से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों में कौन से आपको बेहतर लग रही है। और अगर आपके कोई क्वेरी, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।